हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ फूड गुरु मागीता। मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज मैं एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है मलाई से घी कैसे निकालते, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये है मेरा मलाई, देखिए 20-25 दिन का मलाई है। ये मलाई निकालने का तरीका, दूध को आज लिया आपने, गर्म किया, उसको ठंडा करके फ्रिज में रखना है, फिर दूसरा दिन निकालना है, तो जितना उसका फैट है ऊपर आ जाएगा, तो उसको आप निकाल के वही दूध को यूज करना, ऐसे कंटिन्यू करना आपको 15 हो, 20 दिन हो या एक महीना। देखिए, फिर इसको आप फ्रिज से 6-7 घंटा पहले निकाल के रखना है, जिस दिन आप ये बनाओगी उसी दिन। तो ये देखिए काठा रखा है। अभी इसको हम क्या करेंगे, ऐसे एक चम्मच से इसको घुमाएंगे, ऐसे घुमाने से ये मक्खन निकालेगा। ज़्यादा गर्मी है तो इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालिए, अगर ज़्यादा सर्दी का टाइम में बना रहा है तो इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालना पड़ता है। फिर से निकाल के मैंने रख दिया था, इसमें मैंने कोई पानी अभी ऐड नहीं किया, इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी दे के इसको फिर से घुमाएंगे। एक ग्लास पानी डाला है इसमें, ऐसे कंटिन्यू इसको घुमाएंगे। देखिए कंटिन्यू 10-15 मिनट इसको घुमाने के बाद ये मक्खन अच्छी तरह से निकल रहा है, देखिए। हाँ, और एक बात, आप जिस टाइम मलाई रखोगे थोड़ा बीच बीच में उसमें दही डालना ना भूले। दही डालने से वो छाँच में बहुत अच्छा खुशबू आता है और घी अच्छा बनता है। की हो रहा है और थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। अभी से मौसम ठीक है, इतना गर्म नहीं है, ठंडी नहीं है, तो इसमें मैंने नॉर्मल पानी ही डाला है। देखिए ये पूरा निकल गया, देखिए इसका पानी अलग हो गया और मक्खन अलग हो गया। अभी हम जिस बर्तन में घी बनाएंगे उसी बर्तन में ही निकाल लेंगे। घी बनाने का बर्तन थोड़ा सा मोटा होना चाहिए ताकि नीचे जल ना जाए, ठीक है ना। अभी निकाल लेती हूँ मैं अलग बर्तन में, फिर देखूंगी। ये कढ़ाई में बनाऊंगी मैं, इसमें ही निकालूंगी इसको धीरे धीरे, ऐसे करके आप निकाल लेंगे। देखिए पूरा मक्खन को निकाल दिया है। अभी इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के 2-3 बार धो लेंगे। ये धोने से इसमें जितना सारा ये सफेद पानी है ना, ये निकल जाएगा तो ये अच्छा बनेगा। ज्यादा देर हमको बैठाना नहीं पड़ेगा, ऐसे करके मैं 2-3 बार इसको पानी निकाल दूंगी, इसी में ही निकालूंगी। देखो और एक बार धो लेंगे। देखिए ये हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। 3 बार इसको मैंने धो लिया। अभी इसको गैस ऑन करके चूल्हा में बैठाएंगे। और ये पानी आप बिल्कुल फेंकना नहीं है इसको, इसको छाँच बना के आप इसमें चाट मसाला, काला नमक या धनिया पत्ता आपका मन पसंद का हिसाब से इसमें डाल के आप पी सकते हैं। और 2 चम्मच बेसन डाल के इसको आप कढ़ी बना सकते हैं, नहीं तो कोई सब्जी में भी डाल सकते हैं। इसको हम रख देंगे। अभी चूल्हा में बैठा दिया, गैस को हमने पूरा फूल दिया है। इसको थोड़ा हम ऐसे चम्मच से लाएंगे,
आप इसको छोड़ कर कहीं भी नहीं जाना है, ये ऊपर उठ जाएगा। इसको धीरे धीरे घुमाते रहना है, इसका पास खड़े रहते। देखिए ये अभी उबल आ गया है, इसमें गैस को हम अभी लो कर देंगे। धीरे धीरे इसको अभी बनने के लिए हम छोड़ देंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा टेक्सचर आ गया है, देखिए घी बन रहा है। देखिए और जो व्हाइट पार्ट है ना, ये थोड़ा सा और ब्राउन होगा तब घी पूरा बन जाएगा। एक दो मिनट और लगेगा इसमें, और चार पाँच सेकंड में चम्मच को ऐसे घुमाते घुमाते 20 मिनट में घी बन के तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है, अभी पूरा कंप्लीट हो गया। अभी गैस को हम ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अभी घी ठंडा, थोड़ा सा हल्का ठंडा हो गया है, अभी हम इसी बर्तन में निकालेंगे। एक छाननी ले लीजिए और एक डिब्बा, स्टील का बर्तन है, आप प्लास्टिक या शीशे का बर्तन में नहीं डालना है, क्योंकि अभी घी गर्म है। मैं इसमें अभी डाल के आपको दिखाऊंगी। अभी इसी बर्तन में पूरा घी छान लिया है, अभी इतना देखो इतना कचरा निकाला है, इसको फेंक देंगे। अभी पूरा तैयार हो गया है। आपको कैसे लगा ये वीडियो? आप घर में बनाइए, शुद्ध घी खाइए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय।